Hello everyone, welcome to Nursing Chronicles YouTube channel. At this time, upcoming ASIC और RRP Nursing Officer exam के लिए multiple choice question को देखेंगे. आज की series का सबसे first question है हमारा, which of the following intervention would be most appropriate for preventing the development of a paralytic ileus in a client who has undergone renal surgery? एक client है जो कि undergone हुआ है renal surgery से. यहाँ पर हमें पैरालिटिक इलियस को डेवलप होने से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ऐसा इंटरवेंशन है जो कि यूज में लेना चाहिए. ऑप्शन ए, एनकरेज द क्लाइंट टू अम्बुलेट एवरी 2 to 4 आवर्स. ऑप्शन बी, ऑफर 3 to 4 ounces ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीरियोडिकली. ऑप्शन सी, एनकरेज यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर. ऑप्शन डी, कंटिन्यू आईवी इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए. यहाँ पर हमें पूछा गया है कि प्रिवेंट करना है हमें डेवलपमेंट ऑफ पैरालिटिक इलियस से, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम क्लाइंट को अम्बुलेशन के लिए कहेंगे. अम्बुलेशन से क्या होगा कि हमारा जो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट है हम उसे मेंटेन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेड इज वाइडली यूज्ड इन वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट. बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर लेड का वाइडली यूज किया जाता है क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज होता है सिवाय एक के. ऑप्शन ए, लो बॉइलिंग पॉइंट. ऑप्शन बी, एंटी कोरोसिव. ऑप्शन सी, नॉन ऑक्सीडाइजिंग. ऑप्शन डी, मिक्सेस विद अदर मेटल्स इजीली. करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, नॉन ऑक्सीडाइजिंग. लेड का प्रॉपर्टीज नॉन ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है. चलिए अब हम देखते हैं कि लेड का कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है. सबसे फर्स्ट होता है लो बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड है इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, थर्ड है एंटी कोरोसिव, दूसरा है मिक्सेस विद अदर मेटल्स इजीली. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ट्रांसफरिंग ए पेशेंट फ्रॉम ए बेड टू ए चेयर द नर्स शुड यूज विच मसल टू अवॉइड बैक इंजरी. जब हम एक पेशेंट को बेड से चेयर पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो नर्स को कौन सी मसल यूज में लेनी चाहिए बैक इंजरी को अवॉइड करने के लिए. ऑप्शन ए, एब्डोमिनल मसल. ऑप्शन बी, बैक मसल. ऑप्शन सी, लेग मसल. ऑप्शन डी, अपर आर्म मसल. करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, लेग मसल. लेग मसल जो होती है वो हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है जो कि ग्रेटेस्ट स्ट्रेस को बियर कर सकती है जब हम पेशेंट को लिफ्ट कर रहे हैं तब. इसके अलावा एब्डोमिनल मसल, बैक मसल और अपर आर्म की मसल जो होती है उनमें इजीली इंजरी होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स एडमिनिस्टर लिवोडोपा टू ए क्लाइंट विथ पार्किंसंस डिजीज. विच थेरापेटिक इफेक्ट डज द नर्स एक्सपेक्ट द मेडिकेशन टू प्रोड्यूस. एक पार्किंसन डिजीज वाला पेशेंट है जिसके अंदर की एडमिनिस्टर कर रहे हैं लिवोडोपा को. यहाँ पर हमसे यह पूछा गया है कि इस मेडिकेशन का कौन सा ऐसा थेरापेटिक इफेक्ट है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो प्रोड्यूस करेगा. ऑप्शन ए, इंक्रीज इन एसिटाइल कॉलिन प्रोडक्शन. ऑप्शन बी, रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन. ऑप्शन सी, रीजनरेशन ऑफ इंजर्ड थैलेमिक सेल. ऑप्शन डी, इम्प्रूवमेंट इन माइलिनेशन ऑफ न्यूरोन. करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन. हमें क्वेश्चन में बताया गया था पार्किंसन डिजीज के बारे में. पार्किंसन डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो डोपामिन बनाने वाली सेल्स होती है ब्रेन के अंदर उसका लॉस हो जाता है. डोपामिन एक सब्सटेंस है जो कि हेल्पफुल रहता है कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट के लिए. पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हमें डोपामिन देना होगा. डोपामिन हम डायरेक्टली नहीं दे सकते क्योंकि यह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है. इसीलिए हम एडमिनिस्टर करते हैं लिवोडोपा को एज द प्रीकर्सर ऑफ द डोपामिन. लिवोडोपा मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है एज ए डोपामिन रिप्लेसमेंट एजेंट इन पार्किंसन डिजीज. पार्किंसन डिजीज के अंदर ट्रीमर, ब्रेडिकाइनिसिया, स्टिफनेस, इम्पेयर्ड बैलेंस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. इन सबको कंट्रोल करने के लिए कॉमनली यूज मेडिकेशन होती है लिवोडोपा, और लिवोडोपा के भी साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है. ज़्यादातर कॉम्बिनेशन कार्डियोडोपा के साथ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड ए स्प्लीनेक्टोमी इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. फॉर विच ऑफ द कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स स्पेसिफिकली असिस्ट इन दिस क्लाइंट. यहाँ पर एक नर्स है जो कि केयर कर रही है स्प्लीनेक्टोमी वाले पेशेंट की. हमें यहाँ पर यह पूछा गया कि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन जो है वो असिस्ट करना चाहिए नर्स को. ऑप्शन ए, इन्फेक्शन. ऑप्शन बी, पेरिटोनाइटिस. ऑप्शन सी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. ऑप्शन डी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन. करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, इन्फेक्शन. बात यहाँ पर की जा रही है स्प्लीनेक्टोमी की. स्प्लीनेक्टोमी का जो प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन होता है उसके अंदर हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है. पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन यह भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं लेकिन यह सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. स्प्लीनेक्टोमी एक प्रोसीजर है जिसके अंदर की सर्जिकली रिमूव किया जाता है स्प्लीन को. स्प्लीन जो है वो हमारे एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है. अगर यहाँ पर स्प्लीन को रिमूव कर दिया गया है तो इसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा
वो हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वह जो पर्सन होता है वो मोस्ट वल्नरेबल हो जाता है इन्फेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन ए क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग हेमरेज फॉलोइंग थायरॉयडेक्टोमी। थायरॉयडेक्टोमी के बाद एक क्लाइंट के अंदर एक्सपीरियंस कर रहा है वो हेमरेज को, इसी कंडीशन के अंदर कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारा इंटरवेंशन रहेगा? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी प्रिपेयर फॉर ट्रेकियोस्टोमी, ऑप्शन सी लेटरल पोजिशन, ऑप्शन डी स्टार्ट आईवी थेरेपी। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी प्रिपेयर फॉर ट्रेकियोस्टोमी, क्योंकि हमारे पास यहाँ कंडीशन दी गई है थायरॉयडेक्टोमी की। थायरॉयडेक्टोमी के अंदर हमें क्लोजली मॉनिटर करना होता है हेमरेज की कंडीशन को, क्योंकि ज़्यादातर केसेस के अंदर हेमरेज देखने को मिलता है। इस हेमरेज का असेसमेंट आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको असेस करना होगा क्लाइंट की नेक को, अगर वहाँ पर सर्वाइकल प्रेशर है, टाइटनेस है या स्वेलिंग दिखाई दे रही है, पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है स्वेलोइंग के अंदर और सब्जेक्टिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, तो यह सारे साइन हमें इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर हेमरेज का कंडीशन है। और इस वजह से क्या होता है कि एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसीलिए हमें उस क्लाइंट को प्रिपेयर करना होगा ट्रेकियोस्टोमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पेशेंट विद परनीशियस एनीमिया इज रिसीविंग विटामिन B12 इंजेक्शन, द क्लाइंट आस्क टू द नर्स हाउ लॉन्ग आई विल रिसीव द थेरेपी। द बेस्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिस, एक पेशेंट है हमारा परनीशियस एनीमिया वाला जो कि विटामिन B12 इंजेक्शन रिसीव कर रहा है। क्लाइंट यहाँ पर नर्स से पूछता है कि उन्हें कितने दिन तक यह विटामिन B12 इंजेक्शन थेरेपी लेनी होगी, तो यहाँ पर बेस्ट नर्सिंग रिस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन ए टिल ब्लड लेवल ऑफ विटामिन B12 बिकम नॉर्मल, ऑप्शन बी टिल योर हीमोग्लोबिन लेवल इम्प्रूव्स, ऑप्शन सी लाइफ लॉन्ग, ऑप्शन डी फॉर 1 मंथ। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी लाइफ लॉन्ग। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, अगर वो नहीं है तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर क्लाइंट को लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 इंजेक्शंस लेने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर थायरॉयडेक्टोमी विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। ड्यूरिंग अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड थायरॉयडेक्टोमी के बाद का यहाँ पर कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो कि मोस्ट कंसर्न रखती है? ऑप्शन ए सॉर थ्रोट, ऑप्शन बी कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन द एरिया ऑफ द सर्जिकल इंसिजन, ऑप्शन सी कार्पल स्पैज्म व्हेन द ब्लड प्रेशर इज टेकन, ऑप्शन डी टेम्परेचर ऑफ 99 डिग्री फॉरेनहाइट। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कार्पल स्पैज्म व्हेन द ब्लड प्रेशर इज टेकन, क्योंकि यह हमें इंडिकेट कर रहा है हाइपोकैल्शिमिया वाली कंडीशन को, जो कि हमारा मोस्ट कंसर्न रहेगा यहाँ पर। आफ्टर थायरॉयडेक्टोमी हमें पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर ऐसे मेजर कॉम्प्लिकेशन हाइपोकैल्शिमिया का कंडीशन देखने को मिलता है। हाइपोकैल्शिमिया इसलिए होता है क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो लोकेशन होता है वो थायरॉयड ग्लैंड के पास ही होता है, और इस ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो साइज होता है वो भी स्मॉल होता है। तो ड्यूरिंग सर्जरी क्या होता है कि इंजरी हो सकती है पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर, या फिर यहाँ पर डिवेस्कुलराइजेशन हो सकता है जिसकी वजह से हाइपोकैल्शिमिया डेवलप होता है, इसीलिए हमें थायरॉयडेक्टोमी के बाद हाइपोकैल्शिमिया का कंडीशन क्लोजली मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल आर ट्रू इन रिलेशन टू स्टिलिंग टेस्ट एक्सेप्ट, नीचे दिए गए सारे कथन सत्य हैं इन रिलेशन टू स्टिलिंग टेस्ट सिवाय एक के। ऑप्शन ए द स्टिलिंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द बॉडी एब्जॉर्ब विटामिन B12, ऑप्शन बी 24-hour यूरिन सैंपल इज रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट, ऑप्शन सी टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन 4 stages, ऑप्शन डी NPO इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसीजर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी NPO इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोसीजर। स्टिलिंग टेस्ट जो होता है उसे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं यह डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट हेल्पफुल रहता है परनीशियस एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर 24-hour यूरिन सैंपल भी रिक्वायर्ड होता है। टेस्ट जो होता है 4 stages के अंदर परफॉर्म होता है, और यहाँ पर NPO की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रिक्वेंट सीरम लेवल मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन द पेशेंट इज ऑन। पेशेंट कौन सी मेडिसिन पर है तो हमें फ्रिक्वेंटली सीरम लेवल मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए एमिट्रिप्टाइलिन, ऑप्शन बी हेलोपेरिडॉल, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी लोराजेपाम। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लिथियम। लिथियम मेडिसिन जो होती है उसका लो थेरापेटिक इंडेक्स होता है। इसका जो थेरापेटिक सीरम ड्रग का वैल्यू होता है वो होता है 0.6 से 1.2 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर। अगर यह इससे ज़्यादा लेवल पर चला जाता है तो वहाँ पर हमें लिथियम की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, इसीलिए हमें जब भी पेशेंट लिथियम थेरेपी पे है तो उसका सीरम लिथियम का लेवल मॉनिटर करना होता है। लिथियम मॉनिटर के लिए जब भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसको लिथियम जब ली गई है उसके
लास्ट डोज जब लिया गया उसके 12 to 14 आवर्स के बाद सैंपल को कलेक्ट करना होता है।